अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, हॉल हो चुका है रेडी फर्नीचर आने के लिए। झाड़ू पोछा कर लिया है, फ्लोर पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। जो फर्नीचर निकालना था मुझे वो मैंने निकाल दिया है, ताकि जो फर्नीचर आएगा तो उसका स्पेस बन सके। तो सारा स्पेस मैंने बना दिया है, और जितना भी यहाँ पे शोपीस का सामान था वो सारा मैंने बेडरूम में कर दिया है। हो चुका है नेक्स्ट डे, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और शिफ्टिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डाइनिंग टेबल भी आ चुकी है, सोफ़ा भी आ चुका है, और टीवी हमने इस तरफ कर दिया अभी फ़िलहाल, और ये बेड जो है ये आ चुका है। तो बस अब जो है जो चीज़ें थी वॉल पे डेकोरेशन वगैरह, वो जो है वो मुझे यहाँ पे लगानी है। तो स्लोली स्लोली रखेंगे, लगाते रहेंगे। तो बच्चे स्कूल गए हैं, बस आने वाले हैं, 12 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा रह गया उनके आने में। तो बस अब जो है अपने हिसाब से जो है सोफ़ा जो है वो मुझे क्लीन करवाना है, क्योंकि थोड़ा सा डर्टी हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर चादर डाल दी है, बेडशीट की चादर जो होती है वो डाल दी है अभी फ़िलहाल। तो अभी रफली जो है वो सेटिंग कर दी है, सामान लगा दिया है। तो इंशाल्लाह ईद तक जो है उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ईद पे जो है हम तैयार होके और नई जो है सेटिंग के साथ इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी हॉल की सेटिंग। ये भी एम्प्टी है अभी फ़िलहाल सारा, ये भी मैंने हटा दिया था। तो बस ये है एम्प्टी लुक, सिर्फ फर्नीचर आया है और डेकोरेशंस पीसीस वॉल डेकोरेशन वो सब रहती हैं। तो वो भी थोड़ी स्लोली स्लोली करके साफ़ कर करके जो है वो मैं लगाती रहती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि ये जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ आनी चाहिए, तो अभी बस रख दिया है हमने। उसके बाद जैसे जैसे जो जो ठीक लगेगा तो मे भी शायद थोड़ी सी और चेंजिंग करें, लेकिन बेड यहीं पर ही होगा, सोफ़ा वहीं पर ही होगा, ये यहीं पर ही है वाइट बुक शेल्फ, और ये वाला भी जो है शेल्फ यहीं पर ही होगा। बाकी देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, क्योंकि चीज़ रखने के बाद पता चलती है कि आए ये सेट हो रही है कि नहीं, और फिर दूसरी जगह रखने के बाद ये पता चलता है कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये बड़ी जो है ना परेशान कर देती है चीज़, एक जगह हटा के दूसरी जगह हटा के तीसरी जगह, और फिर वापस जो है वो दूसरी जगह पे लगाएं। तो बस ये इट्स पार्टी, ये भी मुझे हटाना है, और ये सारे जो हैं ऊपर से जो है लैम्प फानूस ये साफ़ कर दिए थे, क्लीन हो गए हैं। ट्यूबलाइट ख़राब हो गई थी वो भी लगा दी है नई। बस ये है बेड, बेडशीट मैंने डबल बिछा दी है। इनका बेड और डाइनिंग जो है ना वो साफ है, लेकिन जो सोफ़ा है ना वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है। तो बस मुझे अजीब सा लग रहा था तो मैंने इस पर चादर डाल दी। मैंने कहा या तो खुद साफ़ करूँगी या फिर जो है सोफ़ा क्लीनिंग वालों को बुला के और फिर साफ़ करवाऊँगी, थोड़ा सा मैसी और गंदा है। चले जी, थोड़ी थोड़ी सेटिंग जो है वो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी सब कुछ मैसी है, आपने लास्ट वीडियोस में से सब जो है ना रखा हुआ सजा हुआ देखा है। हो चुके हैं जनाब, टाइम हो चुका है बच्चों के स्कूल के आने का। स्कूल से बच्चे आ चुके हैं, और जरताशा जो हैं अब बच्चों की स्प्रिंग वेकेशंस और ईद है हॉलीडेज दोनों साथ आ चुकी हैं। तो ये है जनाब हैप्पी हॉलीडे, और जरताशा के ये 3 लेटर्स वर्ड्स हैं। उसके अलावा जनाब हेलो स्प्रिंग है माशाल्लाह से, स्प्रिंग वेकेशंस हैं तो उस हवाले से। और दूसरा जनाब ये आ जाता है जनाब ईद मुबारक कार्ड, तो ये ईद मुबारक कार्ड कुछ ऐसा है। ईद मुबारक बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये मिले हैं जरताशा को, हैप्पी हॉलीडे, ईद मुबारक एंड हेलो स्प्रिंग। लॉट्स ऑफ बुक्स मिली हैं माशाल्लाह। चलें जी, अब बच्चे 15 दिन जो हैं वो घर पे रहेंगे खैर के साथ, और ईद के बाद अब जाएंगे स्कूल जी। तो उमर को मिला है आज गुडी बैग। उमर क्या, किसने दिया है आपको ये गुडी बैग? शाजिया, शाजिया ने दिया है। क्या है इसमें?
उनकी बर्थडे थी जी। ओके क्या मिला है गुडी बैग से? पेंसिल, स्टैम्प, शार्पनर है ना। चले मैं स्टैम्प करके दिखाऊं आप हैंड में। नहीं होया। अगेन शार्पनर। ओह सो क्यूट, ये एप्पल है और ये है पेंसिल। ये एप्पल तो अब हो चुकी है उमर की। उमर स्कूल जाना है आप? नहीं। क्या है? मुझे 15 हॉलीडेज चाहिए। 2 weeks हॉलीडेज। हैप्पी हॉलीडेज। चलें जी अब हॉलीडेज हैं और ईद मुबारक है खास साथ साथ। चलें रखें। चलें जी सबको बोल दे रमजान करीम। चलें जी अभी आपने ज्योमेट्री में रख दें, आप पाउच में रख दें। उमर आज बहुत हैप्पी थे। हैप्पी फेस। ओके ये भी रखें ना। नहीं ये स्टैंप नहीं, ये उसमें रखें। जगह जगह नहीं लगानी ठीक है आपको जी। तो रोज़ा खुलने वाला है, शाम का टाइम हो चुका है। आज मैं बस अफ्तारी में बना रही हूँ पकोड़े और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है मैंने, तो बस यही है। और आज अफ्तारी मैंने कम बनाई है, सुबह से कामों में लगी हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको दे देती हूँ क्या क्या काम जो हैं वो सुबह से हो चुके हैं और कौन कौन सा कॉर्नर जो है वो सेट हो चुका है। तो बस अभी मैं पकौड़े टर्न कर लूँ, आपको दिखाती हूँ फिर दोस्त की अफ्तारी। और साथ साथ ये देखें खजूर निकाल ली है और ये है फ्रेंड की अफ्तारी। अब दस्तरखान पे मैं इसको खोल के फिर दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है माशाल्लाह से। तो ये मेरी दोस्त ने, इंडियन दोस्त है मेरी, उसने जो है ये अफ्तारी भेजी है। तो ये फूलों की जो जितनी भी दुकान थी घर की ये सारी मैंने वॉश कर दी है सरफ वाले पानी से, जो है इनको अच्छे से वॉश किया है। तो ये क्लीन कर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की दुकान जो है वो सज गई है। उसके अलावा ये कॉर्नर चीज़ें वापस रख दी हैं इस कॉर्नर पे मैंने। ये कॉर्नर भी मेरा तकरीबन डन हो गया है, बस ये कॉर्नर रह गया है और ये डाइनिंग टेबल रह गई है। Me.